नमस्कार, एक भीतर की खबर आपको बताने आ रहे हैं और उस भीतर की खबर में मेरे आने का कारण इतना ही है कि दिल्ली में एक बड़ी दिल्ली से खबर आ रही है और इस खबर में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा के बाद जब लौट करके आए हैं बिहार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे अलर्ट मोड में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के अलर्ट मोड में आने के बाद अब कहा जा रहा है कि दिन फिरने वाले हैं उन लोगों के जो वेट कर रहे थे एनडीए में शामिल होने का। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि जितने भी एनडीए में शामिल होने वाले दल हैं या नेता हैं वो सभी का जो डेरा है वो दिल्ली में जमा हुआ है। चाहे आरसीपी सिंह की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या फिर बात कर लें आप पशुपति कुमार पारस की, चिराग पासवान नहीं है और चिराग पासवान से अलग से बैठ करके भारतीय जनता पार्टी डील करेगी क्योंकि चिराग पासवान का मामला थोड़ा दूसरा है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ रोल तय किया है इन सभी के लिए। हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़रूरी है कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जो वोट घट रहा है और नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने के बाद जो वोट बढ़ रहा है उसको कैसे मैचअप करें, और यही वो कारण है कि सबका रोल तय हो गया है। आरसीपी सिंह का रोल तय हो गया है, उनको जिम्मेवारी क्या मिली है हम आपको अगली खबर में बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस के जो बयान हैं उन बयानों से आपको साफ लग रहा होगा कि पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि चिराग पासवान से वो अपने आप को ज़्यादा बिहार की जनता के सामने रख करके वोटों का ध्रुवीकरण करा सकें। लेकिन ऐसा संभव अभी वर्तमान में नहीं लग रहा है क्योंकि इसके लिए उनको चिराग पासवान के बराबर उतरना होगा और बिहार की जनता से सीधा इंटरेक्ट करना होगा, उनके सांसदों को उतरना होगा और उतर करके लोगों से बात करना होगा। अब ऐसी स्थिति में एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जब इधर आए थे तो उनके पास 10% वोट बैंक था। इस 10% वोट बैंक में हमने आपको नटसेल में अलग अलग करके बताया है कि वो कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने हिस्से के 10% वोटों में से अगर 5-6% भी ट्रांसफर करा लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। यही कारण है कि इन सारे लोगों को अंदर से जो खबर आ रही है कि इन सारे लोगों को से बारी बारी करके जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुशवाहा आरसीपी पारस का रोल लगभग तय हो चुका है और उसी के आधार पर उनके बयान भी आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग कार्यक्रम भी आपको नजर आने लगेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो बना है, जो फाइनल डील तैयार हुआ है, फाइनल डील का ड्राफ्ट जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पर अभी हुआ है। इसमें थोड़ा सा 19-20 चुनाव आने से पहले हो सकता है लेकिन अभी सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रोल तय कर दिया है और इस रोल के हिसाब से साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे घेरा जाए। और ख़ास करके बिहार में अगर नीतीश कुमार को घेरने में सफल नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी तो देशव्यापी जो पोलराइजेशन होगा वो भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अर्ली वो अपने साथियों के साथ एनडीए का एक मजबूत कुनबा तैयार करे जो देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो एक गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है और उसमें नीतीश कुमार ने उसके अगुआ के रूप में अपना नाम आगे कर लिया है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं हैं और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को घेरने देश के किसी भी कोने में नहीं लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का फोकस ज़्यादा है। और यहाँ नीतीश कुमार को अगर घेरने में सफल हो गई, उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब देखना होगा कि ये सब कुछ क्या होता है और कैसे इन सब चीज़ों को आ करके एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत जल्द हम आपको सभी नेताओं से बातचीत कराएंगे। हमारी पूरी टीम संपादक नमन मिश्रा के अगुवाई में दिल्ली में डेरा डाली है और दिल्ली में डेरा डालने का कारण आप समझ सकते हैं कि एक तरफ सिर्फ जदयू को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी दल के वरिष्ठ नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वहाँ क्या हलचल है, क्या कुछ होने वाला है, हम पूरी इस बात को आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे को घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।